आजकल रीजनल फिल्में दर्शकों द्वारा काफी पसंद की जा रही हैं। कन्नड़, तेलुगु, तमिल या फिर मलयालम कोई भी फिल्म क्यों ना ही, दर्शक इन फिल्मों को काफी दिलचस्पी के साथ देखते हैं। इतना ही दिन पर दिन इन फिल्मों को देखने वालों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। बॉलीवुड साउथ की फिल्मों में अंतर भी कम होता जा रहा है। वैसे ही हम आपको बात दें, बॉलीवुड की कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत साउथ की फिल्मों से ही की थी। आज हम उन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। आइए जानते हैं उन जानी मानी अभिनेत्रियों के बारे में। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री ने तमिल फिल्म इरुवर से अभिनय की शुरुआत की थी, जो साल 1997 में आई थी। इसके बाद उन्होंने प्यार हो गया से बॉलीवुड में डेब्यू किया, काफी नाम कमाया। कैटरीना कैफ ने साल 2004 में तेलुगु फिल्म मल्लीश्वरी से शुरुआत की थी, जिसमें उनके साथ वेंकटेश दगुप्ती भी थे। तेलुगु के अलावा कैटरीना ने मलयालम फिल्म बलराम वर्सेस थैरदस में भी काम किया है, जो 2006 में आई थी। दीपिका ने अपने करियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या से की थी, जो 2006 में आई थी। इसी के बाद वो 2007 में ओम शांति ओम से बॉलीवुड डेब्यू कर चुकी थी। मलयालम फिल्म कलारी विक्रमण से विद्या ने एक्टिंग की शुरुआत की थी, लेकिन इस फिल्म को कभी रिलीज नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने दूसरी मलयालम फिल्म की, जिसका नाम था उरुमी, साल 2008 में कंगना रनौत तमिल फिल्म की थी दाम धूम, जिसके बाद उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्में की हैं। उसी समय में उन्होंने एक तेलुगु फिल्म की, जिसका नाम एक निरंजन था। प्रियंका भी कई फिल्में कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2002 में तमिल फिल्म तमिज़हम से की थी।